All right. So, a very, very good evening to everybody who is going to join us for this live session. Today, we will be talking about painful sex or experience of pain during sex among women. औरतें जब सेक्स में हिस्सेदारी लेती हैं तब अगर उन्हें किसी भी तरह के दर्द का अनुभव होता है, तो आज के सेशन में हम उसकी बात करेंगे। ओवोमनिया में हम काफी कोशिश करते हैं कि जो टैबू टॉपिक्स या जिस पे ज्यादा लोग बात नहीं करना चाहते या बात करने के लिए अम्बेरस फील करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, उन टॉपिक्स और उन मुद्दों के बारे में हम खुलकर बात करें और किसी एक्सपर्ट से बात करें। तो आज हमारे साथ वी हैव डॉक्टर मिताली वसावड़ा, हु इज अ रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी हैज मोर देन 10 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन गायनेकोलॉजी। शी इज ऑल्सो अ कोविड वॉरियर एंड शी इज करेंटली अ सीनियर डायरेक्टर एट वसावड़ा हेल्थ केयर। सो वेरी वॉर्म वेलकम डॉक्टर मिताली एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड अग्रीइंग टू स्पीक विद अस ऑन दिस वेरी वेरी असेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज पेनफुल सेक्स। तो पेनफुल सेक्स को हम डिस्पेरुनिया या वल्वोडीनिया, वैजिनिस्मस, ये तीन बहुत ही भारी भारी शब्दों का मैंने उपयोग कर लिया है, बट इसको आप सिंप्लीफाई करने का काम आपका है। सो ये जो तीन शब्द हैं उसको अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो सेक्स करते वक्त जो औरतों को दर्द महसूस होता है या उनके जेनिटल्स में, इंटीमेट एरिया में उन्हें दर्द महसूस होता ही है किसी कारण के वजह से। सो आज हम उसकी बात करेंगे। सो आई थिंक प्लीज ओवर टू यू, आप पहले अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करिए एंड देन हम थोड़ा सा एक सवाल जवाब इस विषय पे करेंगे। एब्सोल्युटली। पहले तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका बहुत ही हमलिंग इंट्रोडक्शन था, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हाँ, मैं महिलाओं के आरोग्य से और हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर वुमेन से पिछले 10-12 सालों से डील कर रही हूँ। मैं एक ट्रेन सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे इस पे टॉक्स और लेक्चर्स करती हूँ। कभी कभी लोग मुझे आके पूछते हैं कि अच्छा आप डॉक्टर भी हैं, तो उनके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए, आई एम अ डॉक्टर, मेरा वो ही प्राइमरी प्रोफेशन है। ये एक मेरा सिर्फ एफर्ट है ताकि लोगों में सही जानकारी जाए अपने खुद के स्वास्थ्य के बारे में। जो इन 10-12 सालों की प्रैक्टिस में मैंने देखा है, ये बात ये है कि चाहे आप शहर में हो या गांव में हो, आप बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हो या आप कहीं कोई और छोटा मोटा नौकरी करते हो या घर पे हो, आप हाउसवाइफ हो, सभी महिलाओं में समानता से ये जो नॉलेज है ये बहुत ही सुपरफिशियल है अपने खुद के स्वास्थ्य के बारे में। अपने खुद के शरीर की जो रचना है या एनाटॉमी है उसको लेके भी हमारी जो सोच है या हमारा जो नॉलेज है वो बहुत ही सुपरफिशियल या ऊपरी है। जैसे ही एक या दो सवाल मैं आगे करती हूँ तो आपका नॉलेज आगे कुछ होता नहीं है। तो मेरी यही एक एफर्ट रहा है कि महिलाओं को नॉलेज मिले अपने खुद के हेल्थ के बारे में, बिकॉज ये हम सब एग्री करेंगे कि नॉलेज या ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा पावर है। और अगर आप किसी को कोई चीज का दान देना चाहते हो तो नॉलेज या ऐसी ज्ञान की चीज का जो अगर आप दान देते हो तो वो खुद को भी महिला उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, उसकी फ्रेंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसकी बेटी बहन सबके लिए वो लेडी वो नॉलेज को यूज कर सकती है। और जो क्वैक्स होते हैं या जो उल्लू बनाने वाले चीटर लोग होते हैं जो आपकी समस्याओं को लेके अपना फायदा निकालते हैं, उन लोगों का इसमें नुकसान हो और आपका फायदा हो, दिस इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दिस। यही इसका ये है। दूसरी बात, क्यों ओ वुमनिया के साथ मैंने ये टॉक शो बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया, ये रीजन ये है कि मोस्ट जगहों पे जो टैबू टॉपिक्स है उनमें से सबसे बड़ा जो टैबू टॉपिक है, टैबू टैबू ये होता है कि जिसके बारे में किसी को बात नहीं करनी है। जो बात अगर डाइनिंग टेबल पे सबके सामने निकल आती है तो लोगों को पता नहीं चलता है कि हम कहाँ मुंह छुपा लें। उनमें से सेक्स तो सबसे बड़ा टैबू टॉपिक है, क्योंकि हालांकि भारत की आज पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 या नंबर 2 पे हम हैं इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, बट फिर भी हम सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, राइट। तो ये बहुत एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है कि जिस देश में इतना फर्टिलिटी है वो लोग सेक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं।
तो बच्चे तो डाउनलोड होके आ जाते हैं अपने यहाँ, ऐसा लगता है, बट ये बात नहीं है अनफॉर्चुनेटली. और इसीलिए क्योंकि जिस बारे में नॉलेज नहीं होता है उस बारे में बहुत सारी मिथ्स पैदा हो जाती है, उस विषय पे बहुत सारी महिलाएं सफर करती हैं, क्योंकि कहाँ जाके बात करें, किससे पूछे, ये बात किसी से आप कर भी नहीं सकते हो. और इसीलिए ऐसे शोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो आई वुड आल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ओ वुमनिया कि आप ये चीज कर रहे हो, ये महत्व का है. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मिताली. बहुत अच्छा इसको आपने कॉन्टेक्स्ट एक एस्टैब्लिश किया है कि हम ये आज क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. डॉक्टर मिताली, काफ़ी सारे टीवी और मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं, और ये आज जिस तरह से आप इसको प्रेजेंट भी कर रही हैं उससे ये आपका जो नॉलेज या ये ओपननेस है इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है. तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि पेनफुल सेक्स क्या, आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे एक सरल शब्द में. जब कोई पेशेंट आपके पास ऐसी कोई कंप्लेंट लेके आता है तो किस तरह से वो कंप्लेंट को एक्सप्रेस करता है, व्हाट इज एग्जैक्टली पेनफुल सेक्स. राइट, अब हम इसको बोल सकते हैं पेनफुल सेक्स, बट पेनफुल सेक्स होना ये एक सिम्टम है या एक चिन्ह है कोई भी तकलीफ का. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बुखार आता है या किसी पेशेंट कोई पेशेंट मेरे पास आता है वो बोलता है कि भाई मुझे गले में दर्द है या मुझे बुखार है, तो ये जो है जो चीज पेशेंट महसूस करता है उसको हम चिन्ह बोलते हैं या सिम्टम बोलते हैं हमारी भाषा में, लक्षण बोलते हैं. करेक्ट, तो ये एक लक्षण है. अब उसके नीचे का जो रोग है या जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो कई सारी हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. और क्योंकि सेक्स जो है वो माइंड और सेक्स ऑर्गन्स दोनों का सम्मिलन है, दोनों को साथ में रख के जो एक्टिविटी होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इसीलिए कई बार मानसिक तौर से भी अगर आपके कोई ब्लॉक्स हैं तो वो एक्चुअली फिजिकल प्रॉब्लम बन के आपको प्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पेनफुल सेक्स. अब कई बार क्या होता है कि एक्चुअली कोई पेन नहीं होता है, बट एक टाइप का एवर्जन होता है, कभी कभी डिस्कम्फर्ट होता है, और कभी ऐसा होता है कि उस बात के विचार से भी लोगों के पानी छूट जाते हैं, उनको मतलब यू नो स्वेटिंग शुरू हो जाती है, टेंशन आ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है. तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीजें कोई मतलब झूठ मूठ या फैब्रिकेट करने के लिए, तो अब हम खुद चाह के अपना हार्ट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, चाह के हम स्वेटिंग नहीं कर सकते हैं. राइट, तो ये सारी चीजें हो रही है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो माइंड और सेक्स के साथ रिलेटेड है. कई केसेस में एक्चुअल फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक कॉजेस बोलते हैं, जिसमें जेनेटिक रीजंस होते हैं. कभी कभी जो योनि मार्ग है या वजाइना है उसके बीच में एक पर्दा जैसा होता है, तो क्योंकि वो पर्दे के ऊपर पेनिस लगती है इंटरकोर्स के दौरान तो पेनफुल होता है या पेनिस और अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है. तो ये सारे फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल और दोनों के मिक्स, तो हर प्रकार की दिक्कत हो सकती है. राइट राइट, सो ये हुए लक्षण या सिम्टम. सो हम हमेशा सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट करना हमारा काम नहीं है. हमारा काम है हम क्या महसूस कर रहे हैं, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, वो हम डिसाइड कर सकते हैं. ट्रीटमेंट करना तो सिर्फ डॉक्टर का काम है. सो ये भी जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, अगर आप ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं या पेन ड्यूरिंग सेक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो पहले ये जानिए कि ये बहुत नॉर्मल नहीं है. और अगर आपको रिपीटेडली आपने ये ऑब्जर्व किया कि एवरी टाइम व्हेन यू हैव सेक्स आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट नॉर्मल, और आपको डॉक्टर से या आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मदद लेनी चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मिताली, हाउ कॉमन इज दिस प्रॉब्लम. लाइक आप 10-12 साल से तो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन, तो आपके पास हाउ फ्रीक्वेंटली वुमेन कम एंड लाइक कम विद दिस कंप्लेंट कि ये मुझे हो रहा है, या फिर मेन कम एंड कंप्लेंट दैट ओके व्हेनेवर आई ट्राई टू गेट इंटीमेट विद माय वाइफ ये इशू वो एक्सपीरियंस करते हैं. क्योंकि हमारे अपने प्लेटफॉर्म ओवोमनिया में भी हमें काफ़ी सारे ऐसे कंसर्न्ड हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स आते हैं जो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड्स के लिए वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो फील दैट पेन दैट okay this correct. is somehow affecting their relationship in totality. So how frequent it is in these times?
राइट नाउ पेन ड्यूरिंग सेक्स या तो नॉन कंसमेशन ऑफ मैरिज कि भाई शादी हो गई है एक साल दो साल हो गया है या तो रेगुलर रिलेशनशिप में है कमिटेड रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशनशिप में है बाकी सब अच्छा है पर सेक्सुअल रिलेशंस अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है पेनिट्रेशन नहीं हो पाया ऐसे कपल्स मेरे पास हफ्ते में दो या तीन आते हैं नॉट जस्ट फ्रॉम अहमदाबाद बट फ्रॉम अराउंड स्टेट्स लाइक राजस्थान है मध्य प्रदेश है और रिसेंटली लास्ट मंथ आई ऑल्सो हैड अ पेशेंट हू केम इन फ्रॉम दुबई तो ये चीज जो है वो इतनी कॉमन है तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये अबनॉर्मल नहीं है क्योंकि क्यों अबनॉर्मल नहीं है क्योंकि इतनी सारी महिलाएं जो है वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही है तो मुझे सबसे पहले तो सब लेडीज को ये बोलना है कि आप ऐसा मत सोचिए कि अरे मुझे हो रहा है मुझ में कोई कमी है क्योंकि यू नो एज वुमेन हमको ये आदत है कि हम सारी चीज का ब्लेम खुद पे ले लेते हैं कि अरे मुझ में कोई दिक्कत है मुझ में कोई कमी है तो ये ऐसा नहीं होता है जैसे यू नो किसी को सर्दी खांसी आसानी से लग जाती है किसी को कुछ और प्रॉब्लम किसी को डायबिटीज होता है किसी को ब्लड प्रेशर होता है उसी प्रकार से ये भी एक टाइप की प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम है और उसको प्रॉपरली अप्रोच करके आप ट्रीट कर सकते हो आज के जमाने में बहुत सारे ऑप्शंस हैं अनफॉर्चुनेट पार्ट सिर्फ ये है कि हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है दूसरी बात हम जानते नहीं है कि हम किससे बोले तो हम एक ऐसे पिंजरे में अपने आप को कैद कर लेते हैं कि भाई हस्बैंड को तो पता है कि या पार्टनर है उनको पता है पर उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता है कि ये क्या चीज है कभी कभी ये मसला लेके कपल्स के रिलेशनशिप्स में भी ब्रेकअप आ जाता है शादियां टूट जाती हैं तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है संसार की रचना इस चीज के ऊपर जब निभी हुई है तब हम इसके बारे में किससे बात करें कैसे बात करें नेबर से आप नहीं पूछ सकते हो फ्रेंड से आप डर डर के पूछ सकते हो शायद पर उनको भी राइट नॉलेज नहीं है तो विच इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट की राय ले स्पेशली वो गायनेकोलॉजिस्ट जो इन चीजों में स्पेशलाइज करते हो या इनके लिए पेशेंट्स ट्रीट करते हो और उनकी एडवाइस से आगे बढ़े उसका मेन रीजन ये है कि जैसे मैंने बोला कि अगर ऑन एग्जामिनेशन मुझे मिलता है कि यहाँ पे जो योनि मार्ग है उसमें पर्दा है तो मुझे पता है कि वो पर्दा जैसे कटेगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो अभी दूरबीन से और मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से बहुत आसानी से हो जाता है अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपको आप जब पैदा हुए तब जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है देयर आर केसेस यू नो कृतिका के जिसमें लेडी पैदा होते हैं वो नॉर्मल दिखते हैं दिखने में सब नॉर्मल होता है पर उनका जो योनि मार्ग है वो बनता ही नहीं ऐसी भी बीमारियां तो यूट्रस होता है गर्भाशय होता है अंडे की थैलियां होती हैं रूटीन सब चलता है बट जो योनि वजाइनल कैनाल प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता या तो एक पतली सी कैनाल होती है जिससे मासिक आता है पीरियड आता है पर हाँ। उसमें जब पेनिट्रेशन की बारी आती है तो वो क्योंकि स्टिनोटिक इतनी हद से ज्यादा होती है कि उसमें पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है ऐसे केसेस में गायनेकोलॉजी यू नो मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से वजाइना को हम क्रिएट भी कर सकते हैं जिसको हम नियो वजाइना बोलते हैं जो बनाई हुई वजाइना होती है सर्जिकल तो इस प्रकार से कोई भी दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन डेफिनेटली है बस एक बात है कि आपको जाना है सही जगह और उसकी ट्रीटमेंट राइट डॉक्टर अभी आपने जैसे बोला कि आपके पास आज ऐसे टेक्नोलॉजी है जैसे लैप्रोस्कोपी एंडोस्कोपी की जो टेक्नोलॉजी है जिससे आप बहुत ही बिना किसी कट के बिना किसी सर्जरी के आप ये जान सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है ये जो पेन वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका कारण क्या है तो कैन यू टेल मी जैसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं इंग्लिश में या जैसे आपको बुखार आ रहा है तो डॉक्टर बोलते हैं आप ब्लड टेस्ट ले लीजिए नो फुल ब्लड आप ब्लड सैंपल देते हैं और उससे आपको पता चलता है कि आपको वायरल हुआ है या क्या हुआ है कि क्यों फीवर हो रहा है उसी तरह से जैसे ये एक लक्षण है जैसे बुखार एक लक्षण है वैसे ये पेन हो रहा है वो एक लक्षण है तो जब कोई आपके पास आपका पेशेंट आता है तो आप इसको डायग्नोज कैसे करते हैं कि ये पेन के पीछे कारण क्या है या रीजन क्या है सो हाउ डू यू कम टू दैट पॉइंट व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डायग्नोसिस राइट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब पेशेंट आता है तो उसकी बात पहले तो सुने कि उसको एग्जैक्टली क्या महसूस हो रहा है ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई थी क्योंकि जैसे हम अगर हम पेनफुल सेक्स की बात करें तो वो दो प्रकार की होती है मोटी मोटी अगर हम देखें तो एक होता है प्राइमरी यू नो डिस्पेरियूनिया या प्राइमरी वजाइनिस्मस जिसको हम बोलते हैं सेकेंड होता है सेकेंडरी प्राइमरी जो होता है उसमें कभी ही सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ होता है और यू नो वर्जिनिटी कम्प्लीटली होती है और यू नो मैरिज हो गई होती है पर
फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ था कभी भी. सेकेंडरी जो होता है उसमें सम टाइम इन द पास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होता है, कभी कभी एक आध दो बच्चे भी हो गए होते हैं और उसके बाद ये मसला आना शुरू होता है. तो ये दो प्रकार के बेसिकली प्रॉब्लम्स होते हैं. तो एक तो हिस्ट्री से ही काफी कुछ जानने को मिलता है कि भाई पहले कोई दिक्कत नहीं थी, अभी अभी दिक्कत हुई है या पहले से ही ये प्रॉब्लम है. तो फिर उसको हम अलग उसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो अलग सॉल्यूशंस होते हैं. कभी कभी उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन. तो एक अच्छा हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको 90% क्लैरिफाई हो जाता है कि ये लेडी को एग्जैक्टली किस कारण की वजह से पेनफुल सेक्स की शिकायत है. तो अगर सेप्टम दिखती है तो पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम है. कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस नाम की जो दिक्कत है उसकी वजह से डीप डिस्पेरियोनिया होता है, मतलब एंट्री में प्रॉब्लम नहीं होता है पर जब एंटर हो जाते हैं उसके बाद बहुत पेन होता है. तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ अच्छी हिस्ट्री और यू नो फिजिकल एग्जामिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं. मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाऊंगी ऑफ अ गुड यू नो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. एक कपल आए थे मेरे पास 2-3 साल पहले राजस्थान साइड से. बहुत यंग कपल थे. आई थिंक गर्ल वॉज अराउंड 19 और जो बॉय थे अराउंड 21-22 थे. बहुत यंग थे, जस्ट यू नो मैरिड सिंस 6-8 months. और क्योंकि फैमिलीज इस प्रकार के होते हैं तो उनपे बेबी कर लो का प्रेशर चल रहा था. अब कुछ भी करे तो क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी तो एज यू नो वी डिस्कस कि भाई लेडी को और उसके पति को 10-12 जो क्लोज रिलेटिव्स थे वो सारे आए राजस्थान से और उनको मेरे पास लेके आए कि भाई मैडम इनका हमको IVF करवाना है. कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर को पेशेंट आके बोलता है अपने देश में कि भाई मेरा गर्भ मेरा यूट्रस निकाल देना है कि मुझे IVF कर देना है यू नो. तो ये एक और अपने यहाँ पे बहुत अलग चीज है कि हमको सोचने की मौका नहीं देते हैं, वो खुद ही बोल देते हैं कि हमको ये करना है. राइट. सो ये परिणाम है गलत इंफॉर्मेशन का. करेक्ट. अब मैंने उनको बोला कि भाई मैं इस प्रकार से काम नहीं करती. पेशेंट भी वही है, डॉक्टर्स भी वही है. यस. सो जज जूरी डॉक्टर्स भी वही. एग्जैक्टली. तो मैंने उनको बहुत प्यार से बोला, मैंने बोला भैया मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, मुझे खुद देखना है, मुझे खुद जानना है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इसके लिए ट्रेनिंग ली है तो मुझे थोड़ा मौका दे दीजिए. तो काइंडली दे गिव मी अ चांस. और मैंने पहले तो सबको बोला कि प्रणाम पर आप सब बाहर रहिए क्योंकि ये इनका प्राइवेट मामला है. तो दोनों को मैंने फिर बिठाया. जो लड़की थी उसको मैंने बोला भैया घूंघट ऊपर कर लो, पता लगे कि आप ही हो. तो फिर वो हुआ. तो उससे एक आई कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में. फिर हमने पहले इधर उधर की बातें की. फिर मैंने एग्जैक्टली पूछा कि भैया क्या दिक्कत आती है, आप दोनों इतने यंग हो, obviously hormones raging है, बाकी कोई issue नहीं है, ना desire का कोई problem है, ना ऐसा है कि भाई दोनों साथ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. फिर मैंने बात बात में पूछा तो लेडी से पता लगा कि उनको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो बहुत पेन देता है, और पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, बट कॉन्स्टेंटली इट इज अ पेनफुल एक्सपीरियंस. और बाकी 2-3 उनकी जो बातें थी उससे मुझे डाउट गया कि एक्चुअली कुछ और हो रहा है. फिर मैंने उनको फिजिकली एग्जामिन किया. फिजिकल एग्जामिनेशन में वजाइना अभी भी उसमें जो हाइमेन है या वर्जिनिटी का जो लक्षण है वो इंटैक्ट था. तो मैंने उनको दोबारा पूछा कि आर यू श्योर कि आप दोनों में फिजिकल रिलेशन हो रहे हैं, क्योंकि आपका यू नो हाइमेन इंटैक्ट है, जरा भी नहीं लगता है कि आपका इंटरकोर्स हुआ हो. सो देन दे सेड नहीं, बिल्कुल हमारे तो बीच में यू नो सारे शारीरिक संबंध है. फिर मैंने उनको पूछा तो एक्चुअली बात ये थी कि वो लोग ने वजाइनल इंटरकोर्स किया ही नहीं था, वो लोग एनल इंटरकोर्स कर रहे थे. अनफॉर्चुनेटली उनको अपने समाज में तो कैसा होता है कि ये बातों की बात होती नहीं है. लड़की को आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने बोल दो तो वो ऐसे शर्माती है जैसे किसी बाजू वाले लेडी का बोला हो कि भाई इनके ब्रेस्ट छू के काम करो. खुद के ब्रेस्ट छूने में भी हमको इतना ये होता है. तो वजाइना कहाँ है, वल्वा क्या है, एनस क्या है, इसकी जो जानकारी है वो तो होती नहीं है. हाँ, जो लड़का था उसने कुछ वीडियोज वगैरह देखे थे और उसमें से शायद उसने एनल इंटरकोर्स के वीडियोस देखे हों या क्या हो, तो उनको भी जो नॉलेज था वो भी सीमित था, गलत सोर्सेस से था. और एनल इंटरकोर्स ऑब्वियसली उससे बच्चा नहीं होता था, पर प्रेगनेंसी पेन था. राइट. सो एक ही सिर्फ गाइडेंस में उनके लाखों रुपए का खर्च बच गया कि भाई IVF तक बात नहीं गई. और वो दोनों का जो सेक्सुअल लाइफ था जिसमें सिर्फ पेन और फ्रस्ट्रेशन भरा था उन 6-7 महीनों में, वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो गया और नेचुरली उन्होंने कंसीव भी कर लिया. देयर वाज नो प्रॉब्लम फर्दर. सो विच इज व्हाई आई से के हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कभी कभी आपका 90% काम कर देती है.
बस ये है कि वो करेक्ट होना चाहिए. यू शुड टेक द एफर्ट एंड डू अ गुड, टेक अ गुड हिस्ट्री, डू अ गुड एग्जामिनेशन. और हमको मेडिकल कॉलेज में भी ये पढ़ाते हैं, बट आई थिंक क्या होता है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये कुछ कुछ जो चीजें हैं वो पीछे छूट जाती है और हम लोग बहुत डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड हो जाते हैं कि भाई 5 ब्लड टेस्ट कराओ, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई. लिखने में बहुत आसान हो जाता है. सम केसेस अगर ये दो चीजों से के बाद भी अगर कुछ पता नहीं लगता है कि क्या है, तो यस यू माइट आस्क फॉर यू नो अ सोनोग्राफी एज अ बेसिक टेस्ट. मे बी सम ब्लड टेस्ट कैन बी डन, बट देन अगर फिजिकली कुछ नहीं मिलता है तो वी शुड ऑल्सो मूव ऑन टूवर्ड्स योर साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, जिसके लिए क्वेश्चनेज होते हैं जो साइकेट्रिक बॉर्डरिंग ऑन साइकेट्रिक एग्जामिन यू नो ये होता है हिस्ट्री टेकिंग, जो फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन का एक यू नो इंडेक्स होता है, उसमें अराउंड 19 टॉपिक्स कवर्ड होते हैं रिगार्डिंग सेक्सुअल बिहेवियर, जिसमें डिजायर, अराउजल, लुब्रिकेशन, ऑर्गेजम, ये सारी चीजों के मापदंड या दो दो तीन तीन प्रश्न होते हैं और उस वो क्वेश्चन है लेडी सॉल्व करते हैं. उसके बाद हमको एक आइडिया आता है कि भाई एग्जैक्टली इन 19 चीजों में से क्या प्रॉब्लम है इनको, क्योंकि हर एक का पेनफुल सेक्स का कारण अलग अलग होता है. तो जैसे पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसमें ड्राइनेस मेन कंपोनेंट होता है, पोस्टपार्टम है या जस्ट पोस्ट चाइल्ड बर्थ है, तो कभी कभी हॉर्मोन्स की वजह से डिजायर या अराउजल में प्रॉब्लम हो जाती है. सो देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच कुड बी गोइंग रॉन्ग एंड देन मूविंग ऑन टू द साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि भाई ये इश्यू है. सो दिस इज हाउ वी नॉर्मली प्रोसीड विद एन डायग्नोसिस और अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर पेनफुल सेक्स. नाउ दैट अभी हमने सिम्टम्स की बात कर ली, कॉजेज या कारणों की बात कर ली, नाउ आई वॉन्ट टू मूव टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आई थिंक वी आर हैविंग अ वेरी गुड व्यूअरशिप एज ऑफ नाउ, जो सब जानना चाहते होंगे कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, वट आर द मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट. डॉक्टर वट इज योर, आपने बताया कि हर एक का रीजन अलग हो सकता है, सेक्सुअल हिस्ट्री मैटर करती है, कौन से लाइफ के फेज में है वो मैटर करता है. तो आई थिंक वी हैव लॉस्ट डॉक्टर मिताली फॉर अ व्हाइल. यस, हियर यू आर बैक अगेन. कैन यू हियर मी डॉक्टर मिताली? कैन यू हियर मी? आई थिंक देयर इज, हेलो, can you hear me now? I think you are experiencing some technical difficulty, but I'm sure we'll be back online. Right. Yeah, we're back, I think. Yes, you're back. Right. Okay, can you hear me now? Can you hear me, Dr. Mitali? Yes. Yes, awesome. So, my next question was on iske abhi ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए पेनफुल सेक्स का. जैसे आपने कहा सेक्सुअल हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, कौन से लाइफ के फेज में है, उनकी एज क्या है, पिछली हिस्ट्री क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है. तो अब आप ट्रीटमेंट एज अ डॉक्टर उनको क्या सलाह देते हैं, या व्हाट शुड दे बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये चीज़ों का हमें अभी आगे ध्यान रखना है. सो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हियर? राइट, सो एज आई सेड कि वंस हम फिजिकल कॉजेज रूल आउट कर लेते हैं, जिसमें एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शंस हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो वो रूल आउट हो जाती हैं. एक बार वो हो जाए तो वी कम टू द यू नो साइकोसेक्सुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज. और उसमें जो सबसे कॉमन या यू नो जो चीज़ हम काफ़ी बार पाते हैं वो होता है वजाइनिस्मस नाम की जो प्रॉब्लम है. अब वजाइनिस्मस में जो योनि मार्ग है उसको हम अगर डिवाइड करते हैं, तो सपोज ये ले लें कि ये योनि मार्ग है, तो इसका जो नीचे का तीन वन थर्ड है, वन थर्ड और वन थर्ड, जो नीचे का वन थर्ड पार्ट है, जो लोअर मोस्ट पोर्शन है, उसके आसपास के जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वजाइना को बंद कर देते हैं. तो
काफी केसेस में जो हस्बैंड है या जो पार्टनर है वो कंप्लेन करते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई वॉल के पास टकरा रहा हूँ, आई जस्ट कैनॉट एंटर. तो ये जो एक वर्ड आता है, ये एक कॉमन वर्ड आता है, हर एक जन जिनके पार्टनर्स को वजाइनिस्मस है ये प्रॉब्लम डेफिनेटली वेंट करते हैं. तो ये एक चीज है. प्लस ऑफकोर्स वजाइनिस्मस के ग्रेडेशंस भी हैं, जो ग्रेडेशंस 4 grades होते हैं, और जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें जैसे ही हम एग्जामिनेशन की भी बात करते हैं तो जो लेडी है वो रोने लगती है, पसीना छूट जाता है, इतना वो फियर साइकोसिस होता है सेक्स को या इंटरकोर्स को लेके कि एग्जामिनेशन तक के लिए वो लोग विलिंग नहीं होते हैं. सो इन केसेस में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए तो काइंडली एग्जामिनेशन मत कराएं, क्योंकि इससे आपको और इस बारे में फोबिया बढ़ जाएगा. बेसिकली क्या होता है, ये फोबिया क्यों आ जाता है, इसके समवेयर डीप रूटेड आपके थॉट्स में सेक्स को लेके एक फियर सा होता है, क्योंकि आप इसके बारे में जानते नहीं हो जी. या कभी कभार चाइल्डहुड में अगर सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम आप हुए हो तो इसकी वजह से भी एक नेगेटिव माइंडसेट जुड़ जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ. और ऐसी महिलाएं जब एडल्ट होती हैं तो उनको इंटरकोर्स से एक प्रकार का सबकॉन्शियस फियर हो जाता है. अब जैसे ही इंटरकोर्स होने की कोशिश होती है तो वजाइना जो है वो अपने आप को बंद कर लेता है या क्लैम्प अप हो जाता है. और जब एक क्लैम्प्ड वजाइना के थ्रू, सपोज ये बंद है टाइटली, इसके थ्रू मैं अगर ये पेन डालूंगी तो मुझे दर्द होगा, पर अगर ये रिलैक्स है ये पेन इजीली जाएगी, मुझे दर्द नहीं होगा. अब क्या होता है, क्योंकि इनवॉलेंट्रीली आपकी इच्छा नहीं है पर अपने आप ही क्योंकि ये टाइट हो जाता है, और उस टाइट वजाइना में आप कुछ भी इंसर्ट करो, चाहे वो पेनिस हो या आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो एग्जामिनेशन के लिए, ये पेन आता है. तो बॉडी के लिए वो एक जस्टिफाइड रीजन हो जाता है कि ये चीज से तो भैया पेन होता है तो ये तो करना ही नहीं है. तो ये विशेष साइकिल, इट्स अ मेंटल इंपैक्ट आल्सो कि सो इट बिकम्स लाइक, हां दर्द होता है तो होने वाला है. या सो इट बिकम्स लाइक अ साइकिल, पेन, यू नो द रिस्पांस ऑफ द माइंड कि दिस इज पेनफुल, अवॉइड इट, एंड देन व्हेन यू फोर्स समथिंग थ्रू इट वो पेन और होता है, एंड देन यू डोंट वांट इट इवन मोर. So, ये जो साइकिल है उसको तोड़ने का एक ही तरीका होता है कि एक तो एक ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल फिजिशियन और पेशेंट के बीच में हो, दैट्स नंबर वन थिंग टू स्टार्ट विद. नेवर मेक द लेडी फील के उसकी गलती है, या यू नो, बिकॉज ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पेशेंट्स ने ये बातें मेरे से शेयर की है कि मैडम हमको ऐसे बोला कि सेक्स करके क्या फायदा है, आप IVF करवा लो, अल्टीमेटली सेक्स करके तो बच्चा ही चाहिए तो IVF करवा लो. किसी ने ऐसा बोला कि भाई 5 साल हो गए आपने यू नो इंटरकोर्स नहीं किया है, आपके हस्बैंड के तो अफेयर होंगे. तो यू नो ये चीज किसी को सुननी नहीं है, वो लेडी ये जानबूझ के नहीं कर रही है, वो भी इतनी ही पीड़ित है. तो उनको आप ये बात बोल के एक तो पुट ऑफ मत कीजिए, डोंट डू दैट. और अगर आप नहीं कर सकते हो प्लीज रेफर टू समबडी कि जो ये बात कर सके, क्योंकि इसमें भी एक कला है ना. तो ऐसे इंसान के पास भेज दीजिए. अब वहां पे भी डोंट पुश ऑन अ फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करना है. ज्यादा से ज्यादा आप पेट पे सोनोग्राफी करके देख लो कि भाई ऑर्गेनिक कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई इश्यू नहीं है. एक बार वो क्लियर हो जाए तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द प्रॉब्लम, सपोज बहुत छोटा मोटा वजाइनिस्मस है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड है, उन केसेस में आप उनको कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं जो फिजियोथेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी कंबाइंड विद साइकोथेरेपी, वो दोनों चीजें करवा सकते हो. तो उससे 5 या 6 sessions में काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, और उसमें कोई बड़ा सर्जरी या कोई इतना इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं. अगर मॉडरेट केसेस होते हैं कि भाई जिसमें सिर्फ फिजियोथेरेपी और साइकोथेरेपी से इतना बेनिफिट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उन केसेस के लिए हम लोग डायलेटर्स का यूज कर सकते हैं. डायलेटर्स पहली बार बेटर है कि आप कोई डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर यूज करें, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ जाए तो यू कैन यूज इट बाय योरसेल्फ, और आप एक नेक्स्ट स्टेज ले जाने के लिए आपके पार्टनर को बोल सकते हैं कि आप भाई डायलेटर से पहले ट्राई कीजिए, ताकि दोनों को एक दूसरे में ट्रस्ट और कंफर्ट मिल, राइट. आई विल आल्सो शो यू, आई हैव अ सैंपल ऑफ द डायलेटर्स के वो कैसे दिखते हैं. नॉर्मली ये डायलेटर्स आर समथिंग लाइक दिस, ओके. सो यू स्टार्ट नॉर्मली विद, ये छोटा सा है, आई डोंट नो इफ क्लियरली विजिबल, इफ यू लुक एट इट, इसका जो शेप है, इसका जो शेप है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रियल पेनिस, बट ये छोटा वाला है, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन.
एक बार आप ये इंसर्ट करने में कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो यू कैन मूव टू द बिगर वन विच इज दिस. एज यू कैन सी दिस इज स्लाइटली बिगर. उसके बाद आप उससे हायर जो है या उससे ज्यादा वाला है डायरेक्टर उसके लिए जा सकते हो. एंड देन फाइनली दिस इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ रियल पेनिस एंड दिस कैन बी देन यूज्ड. अब जैसे आप इसके लिए इसके साथ एक जेल भी आता है लोकल एनेस्थेटिक नंबिंग क्रीम या आप कोई भी सादा यू नो जेल यूज कर सकते हो जो कोई भी यू नो ड्यूरेक्स से ऐसे शॉप में मिलता है जो केवाई जेली जिसको बोलते हैं दैट एनी आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट कैन बी यूज्ड फॉर यूजिंग दीज थिंग्स. नाउ ये यूज करने में आसान है. आपको इसको यू नो एवरी ऑल्टरनेट डे ये डायलेटर्स यूज करने हैं. जैसे आप एक डायलेटर से कंफर्टेबल हो जाते हो यू कैन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज एब्सोल्युटली एट योर ओन डिस्क्रिशन. आपको लगता है कि नहीं अब मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूं तो आप नेक्स्ट डायलेटर पे मूव कर सकते हो. जब आप कॉन्फिडेंटली लास्ट डायलेटर साइज यूज कर पाते हो उसके बाद यू कैन ट्राई अ फिजिकल इंटरकोर्स विथ योर हस्बैंड और योर पार्टनर सो दैट देन यू फॉल इन टू द मोड एंड देन यू विल सी के सरप्राइजिंगली जो पेन है वो एकदम कम हो जाता है. आप अपने आप को रिलैक्स करना सीख जाते हो और ये जो पेनफुल सेक्स का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है. अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ डायलेटेशन से बेनिफिट नहीं होता है, जिसमें मैंने जैसे बोला कि उसकी ग्रेड हायर होती है ग्रेड 4 या ग्रेड 5 जिसको हम बोलते हैं. उन केसेस में एक बोटॉक्स करके इंजेक्शन आता है. आप लोगों ने सबने शायद बोटॉक्स ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए सुना होगा कि हीरोइंस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरह एब्सोल्युटली जो फाइन लाइंस है रिंकल्स है उनको कम करने के लिए ये यूज होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में. बट एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट अब हो गई है वजाइनिस्मस के लिए भी. बेसिकली उसमें क्या होता है कि जैसे हमने बात की कि लोअर थर्ड ऑफ वजाइना के जो ये टाइट मसल्स हैं ये वाले जो पेन होते हैं इन मसल्स को हम पैरालाइज कर देते हैं. पैरालाइज करने के लिए ये जो बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन है उसकी मदद ली जाती है या तो एनेस्थीसिया दे के या तो इवन ओपीडी बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन आपका पेन थ्रेशोल्ड कैसा है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि इन विमेन में सेक्स को लेके इतना सारा डर होता है तो नॉर्मली एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती है. मैं क्या करती हूँ कि ये इंजेक्शन जैसे डाल देते हैं और वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं एक बड़ा साइज का स्पेक्युलम या बड़ा साइज का डायलेटर अंदर इंसर्ट करके रखती हूँ. तो जब वो लड़की कॉन्शियस होती है जब वो उसको पता लगता है कि अब मैं यू नो आउट ऑफ द सर्जरी हूँ और वो देखती है कि उसके अंदर डायलेटर है और उसको कुछ नहीं हो रहा है शी इज नॉट इन पेन शी इज डूइंग वेल शी इज फाइन तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं डिफॉर्म्ड नहीं हूं मैं अबनॉर्मल नहीं हूं. अगर इतना बड़ा डायलेटर अंदर है और मैं ठीक हूं तो शायद ये चीज इतनी डरावनी नहीं है जो मैंने माइंड में इसको बना के रखा है. राइट सो दिस इज जस्ट समथिंग विच आई डू फ्रॉम माई साइड बिकॉज दैट रियली हेल्प्स टू ओवरकम द साइक ऑफ फियर फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ इसके बाद it doesn't get over there. After the Botox injection, normally we take about 3 weeks of dilatation. तो ये जो dilators हमने अभी अभी देखे हैं वो ही dilator therapy फिर घर पे की जाती है और 3 हफ्ते के बाद ये जो मसल को पैरालाइज करने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है. मसल रिलैक्स हो जाता है और आपने वजाइना को भी आदत डाल दी है डायलेटर्स की फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्राई कर सकते हैं. कभी कभी बहुत टाइट स्पैजम्स अगर होते हैं तो सेकेंड टाइम एक बार इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक इंजेक्शन एंड अ गुड डायलेटेशन टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड यू डोंट रियली नीड टू डू अ सर्जरी अनलेस कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है तो यस सर्जरी करनी पड़ती है और फिल डायलेटेशन करना पड़ता है. सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज. राइट सो इस चीज को अगर मैं समराइज तो उसके भी अलग अलग ग्रेड्स हैं. वो जो एक्सपीरियंस है पेन का उसकी इंटेंसिटी या वो कितना ज्यादा है वो ग्रेड्स डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद. तो जो जो औरतें या जो भी हमारा अभी ये वीडियो देख रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन से मत डरिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो पेन एक्सपीरियंस हो आपको मेंटल ब्लॉक कि मुझे मेरे में कोई कमी है मेरे में कोई डिफॉर्मिटी है या आपका
पार्टनर के साथ इवन कंफर्ट लेवल भी ना हो, सो मे बी योर वजाइना गेट्स यू नो लाइक इट गेट्स टाइटेंड एज यू एक्सप्लेन बिफोर. So, as ma'am said, that vaginal dilators is something that is one of the modes of treatment. और वो आपको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के absence में नहीं लेना है. Even you talked about lubricants and के वैसे बात की थी के water और gel based lubricants, especially water based lubricants. फीमेल्स को वजाइनल पेन फील होता है ड्यू टू ड्राइनेस और बिकॉज दे आर इन पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज फेज. आई थिंक जो भी मोडालिटीज बताएं वो डेफिनेटली यू हैव टू रिलाई एंड ट्रस्ट ऑन योर डॉक्टर फॉर हेल्पिंग यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल. आपने अभी एक मेंटल हेल्थ या इसका मेंटल इंपैक्ट के बारे में आपने बोला व्हेन यू वर डिस्कसिंग अबाउट योर पेशेंट्स कि आपके पेशेंट्स जब ये कंप्लेन लेके आते हैं या रिलेशनशिप पूरी काफी अफेक्ट होती है लोगों की. सो साइकोथेरेपी, जो साइकोथेरेपी फिर भी थोड़ा सा फैंसी वर्ड है पर उसके और इस प्रॉब्लम के साथ आप कैसे उसे सॉल्व करते हैं, हेल्प करते हैं, ये दोनों जैसे कोरिलेटेड है. अगर हम हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम मेंटली भी कभी अच्छा फील या कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे. सो एज अ डॉक्टर व्हाट डू यू रेकमेंड कि चलो फिजिकली आपने उनको ये हेल्प कर ली पर मेंटली या रिलेशनशिप वाइज आप कैसे काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, या काउंसलिंग तो जरूरी है बट हाउ डू यू encourage people to go for that because even counseling is a taboo in our society. Yes, correct. So which is why what I do in my clinic is that we have everything there. So आपको 10 जगहों पे जाना नहीं पड़ता है कि भाई physiotherapist अलग है, counseling के लिए कहीं और जाना है. Most of the times we arrange it in a manner के सब कुछ वहीं पे available आपको हो जाए. But you know sometimes you might not need the counseling bit at all. Especially when I get couples जो जिनका आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, दोनों को relationship में कोई issues नहीं है, बस यही मसला होता है कि भाई without the dilatation या without the treatment of the botox, the lady is not able to relax. Although उनकी इच्छा है, उनको चाहिए, but वो कर नहीं पाते हैं. बाकी सारी चीजें जिसको हम foreplay बोलते हैं, वो सब ठीक ठाक हो जाता है. But जैसे ही intercourse की बात आती है, वहाँ पे उनकी गाड़ी अटक जाती है. बाकी उनके आपसी रिश्ते अच्छे हैं, तो फिर ज्यादा नॉर्मली काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ कुछ केसेस में रिलैक्सेशन या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इनका रोल होता है और हमारे पास उसके लिए नॉर्मली साइकियाट्रिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो कैन टेक केयर ऑफ दैट एंड यू नो एडवाइस देम. नॉर्मली अगर डिटेल्ड साइकियाट्रिक काउंसलिंग की जरूरत होती है तो वो मैं खुद नहीं करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट. सो अगेन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी ऑल आर एक्सपर्ट्स इन आवर फील्ड एंड वी शुड नॉट हेजिटेट फॉर हैविंग टू डॉक्टर्स helping you tide over something. So, दो experts की सलाह एक साथ लें और फिर उसको tide over आप कर सकते हो. So, that is एक और नजरिया है इसको देखने के लिए. Most of the times, what women should be very assured of is के doctors are under legal obligation and moral obligation के हम लोग ये बातें, आपकी बात हम 10 लोगों को नहीं बताते हैं, आपकी कोई भी details या आपका नाम हम लोग publish नहीं करते हैं. आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी मेंटेन करते हुए हम आपका केस एज अ केस शेयर कर सकते हैं बट वी कैन नॉट एवर गिव आउट योर डिटेल और योर पर्सनल थिंग्स, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा फियर होता है कि नहीं किसी को आप बोल दोगे तो किसी और को पता लगेगा. तो सो दैट इज समथिंग यू शुड नॉट वरी अबाउट. राइट. और काफी लोग इसी कारण की वजह से हेल्प नहीं लेना चाहते क्योंकि एक तो पहले embarrassment और कभी इस issue में normally का body भी नहीं समझते. so when we go for even a basic menstrual health program we have to tell them that आपका vagina जहाँ से आप urinate कर रहे हैं वो और आपका anus ये तीन अलग openings हैं आपकी body में. You do not menstruate from where you urinate. So
ये बेसिक भी कई बार काफी औरतों को अपने बॉडी के बारे में नहीं पता होता। इसमें से काफी औरतें हैं जो खुद मदरहुड, जो खुद माँ बन चुकी होती है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ये सारे फेजेस से गुजर चुकी होती है एंड दे स्टिल नॉट अवेयर अबाउट दिस। एज यू सेड कि फिजियोथेरेपी, आपने कीगल्स के बारे में भी पहले बताया, फिजियोथेरेपी है, वजाइनल डायलेशन है, बोटॉक्स या दूसरी जो थोड़ी अलग तरीके हैं, बट ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग लाइक हैविंग अ गुड सपोर्टिव पार्टनर टू यू नो गिव दिस हैंड होल्डिंग व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड यू हैव अ साइकोथेरेपिस्ट हु हेल्प्स योर पेशेंट्स एंड आई थिंक दैट इज वेरी ब्रिलियंट एंड एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। यस, सो सीरियसली बहुत जरूरी है बिकॉज कई बार इवन जजमेंटल बिहेव, सो हमें आपके जैसे और नॉन जजमेंटल डॉक्टर्स की हज कर जरूर। थैंक यू सो मच। नो, आई थिंक व्हाट आई फील इज इट्स नॉट अबाउट बीइंग नॉन जजमेंटल, बट दो चीज है इज दैट एक तो वी शुड मूव विद द टाइम्स, समय में और हमारे सराउंडिंग्स में जिस प्रकार बदलाव आते हैं, जो आजकल के युवाओं की जिस प्रकार की जीवन शैली है उसको देखते हुए हमको भी ये चीज देखनी चाहिए, अपने में इम्बाइब करनी चाहिए और वी शुड मूव विद द टाइम्स, दैट इज नंबर वन। एंड द सेकंड थिंग इज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू हैव एम्पथी, कि आप अपने आप को उस जगह में डाल के सोचो कि वो औरत क्या महसूस करे होगी और उनके और उनके पार्टनर्स के बीच में किस प्रकार की तकलीफें होती होंगी। तो ये दो चीज अगर हम ध्यान में रखें तो आई थिंक वी विल नेवर यू नो हर्ट एनीबडी एक्सीडेंटली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट यू नो दिस इज परहैप्स समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माय ग्रैंडमदर। वो मुझे हमेशा बताती थी कि जब मेरे फादर कॉलेज में थे तो यू नो यंग लड़के पढ़ाई करते हैं तो रात को पढ़ते हैं, फिर बीड़ी बीड़ी सिगरेट विगरेट पीते हैं, दे लाइक ऑल दैट यू नो। तो ऑब्वियसली अपने संस्कार इस प्रकार के हैं कि पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए, उनके सामने नहीं करना है, तो ये लोग सब पॉकेट मनी में से गुजारा करना है तो वो लोग सस्ती वाली बीड़ियां लाके फूंक के फिर विंडो के बाहर फेंक देते थे। अब मेरे ग्रैनी जब सुबह निकलते थे यू नो वो सूर्य को पानी डालने, तो वो देखते थे कि हाँ ये बीड़ी गिरी है तो रात में ये बच्चों ने इधर सिगरेट विगरेट ये बीड़ी बीड़ी पी है, तो उन्होंने बीड़ी उठा के देखा कि अरे रे ये तो वो एकदम गंदी क्वालिटी की बीड़ी है, डाल दिया। दूसरे दिन उनका नाइट का जो पढ़ाई का सेशन था उसके पहले जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं फिल्टर वाली वो लाके उन्होंने उनके कमरे में रख दी, तो मेरे पापा और वो लोग सब चौंक गए, अरे मम्मी ये तुमने क्या किया, बोलते तुम लोग नहीं जानते हो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है तुम लोग फूक रहे हो तो कम से कम अच्छी फूको। या सो व्हाट आई थॉट इज वेरी इंस्पायरिंग इज दैट यू एक्सेप्टेड कि भाई कर रहे हैं। इस प्रकार से आजकल हमारे बच्चे हैं जो युवा पीढ़ी है वो लोग सेक्स से सेक्स उनके चारों तरफ है, गूगल इंटरनेट कहीं से भी ये मिल जाता है, तो एज पेरेंट्स हम उसको रोक नहीं पाने वाले हैं, तो एटलीस्ट हम इतना इंश्योर करें कि अगर वो सेक्स कर रहे हैं तो केयरफुली करें, कॉन्डोम्स पहने। अगर हम ही इस बात को बोलने से इतना हिचकिचाएंगे तो हम बच्चों को क्या बताएं, है ना, और वो आपके पास कभी आने भी नहीं वाले हैं कि अगर आप उनको ये बात करते ही नहीं हो तो दे नेवर कम। So keep that channel of communication open again. You know, so accepting people for and their circumstances is very important. Yeah. So आपने ये जो बात बताई exposure room मिल रहा है internet से, TV से, even the music videos, like you just open your phone. So if they're going to indulge in it, maybe they should go with the right information. और जब हम good touch, bad touch की भी बात करते हैं younger parents के साथ, तो उन्हें ये लगता है कि आप बच्चों को sexuality या उनकी body के बारे में आप इतना early होगे, तो they are going to indulge into sex at a very young age. And that time, I think just like you said, that they are going to participate in this or they're going to be sexually फैक्ट, अगर वो बिना इंफॉर्मेशन आप बारिश में जा रहे हैं तो आप जैसे रेनकोट पहन के जाते हैं, या अगर हम जंगल जा रहे हैं शार्प ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं,
कि अगर कुछ हो गया तो आई हैव एब्सोल्युटली to see and I have something to protect. Exactly. उसे इतने के लिए नहीं है या भी औरतों को भी जो हम तो हम उन्हें किसी मानसिकता पे ढकेलने के लिए ये नहीं कर रहे बट उन्हीं के मेंटल और फिजिकल पाओगे सो आई थिंक ये आपने जो अपना एक्सपीरियंस लाइक पेरेंट्स डू नो दैट बच्चे क्या करने वाले क्योंकि वो खुद भी एक बार बच्चे रह चुके हैं सो दे हैव गॉन थ्रू ऑल दोस फेजेस एंड दे नो व्हाट इनडायरेक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू हालात बदल गए हैं पर व्हाट यू आर अप टू द टाइम्स हैव चेंज्ड वी आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बट ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी के जो नीड्स हैं वो तो आज भी वही हैं उस जमाने में भी वही थे सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मिताली फॉर काफी चीजें मतलब मैं खुद विमेन्स हेल्थ में 5 साल से काम कर रही हूँ लेकिन जो भी देख रहे हैं वो जरूर इस टॉक से ये मैसेज ले कि अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं से गुजर रहे हैं तो आपके डॉक्टर से आपके गायनेक से आप मदद लीजिए और हिचकिचाना नहीं है क्योंकि एज मैम सेड कि उनके क्लिनिक में एटलीस्ट एवरी वीक ऐसे पेशेंट्स आते हैं मतलब ये अकेले आपकी समस्या दिक्कत नहीं की समस्या नहीं है बहुत सारी औरतें इस समस्या से गुजर रही हैं सो आप अपने आप को अकेला ना समझे या एबनॉर्मल या डिफॉर्म्ड ना समझे एक और इशू है जिसको आप अपनी लाइफ ज्यादा बेटर बना सकते हैं सो थैंक यू is there anything that you would like to share your last words and then I'll press end I think we're losing you Ma'am, can you hear me? Yes, now I can. Yes. Yes. Okay. Just your last words, and then I hit on end broadcast, and we will be done. All right. Okay. So basically, just this is my last word. Stop. अपने आप को कोई भी समस्या हो तो खुद को blame ना करे. सीक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस अपने अपने आप को जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका यूज करें आई एम श्योर कि आपको सबको अगर आप ढूंढोगे तो कोई ना कोई अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर मिल जाएगा जो आपको इस समस्या से निकाल सकेंगे उस चीज को लेने से कतराएं नहीं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जैसे आपको सर्दी खांसी होती है बुखार होता है आप डॉक्टर के पास बेहिचक चले जाते हो उसी प्रकार से सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बेझिझक हो कि आप उसके लिए भी एडवाइस ले सकते हैं और ये आपका हक है तो प्लीज डोंट सफर इन साइलेंस ओपन योर माउथ एंड यू नो टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन टेल समबडी और डर के सहम के लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे इन सब चीजों से अपने आप को यू नो ट्रैप मत कीजिए break out of that cage and access good medical care and take care of yourselves right absolutely thank you so much my all apart from that ye video ko baad mein bhi dekhenge thank you so soon and thanks once again thank you thanks a lot it was a pleasure all right.